संत बाबा लाभ सिंह की अगुवाई में चल रहे गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल के वार्षिक समारोह में उच्च शिक्षा उपनिदेशक अशोक शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके साथ प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक केडी शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। अशोक शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपरांत इसके स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश करके सभी का मन मोह लिया। उच्च शिक्षा उपनिदेशक अशोक शर्मा ने स्कूल के बेहतरीन संचालन के लिए संत बाबा लाभ सिंह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह स्कूल बच्चों को गुणात्मक और संस्कारित शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गुरु गोविंद सिंह मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ के सभी अध्यापक प्राध्यापक शिक्षक वृंद कमेटी कार्य सेवक के जो मुखिया यहाँ संत बाबा लाभ सिंह जी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवादी हैं और यहाँ की सारी मैनेजमेंट कमेटी को धन्यवाद देते हैं जो बच्चों को गुणात्मक रचनात्मक व संस्कार युक्त शिक्षा दे रही है। समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बड़ा सुंदर समाज निर्मित हो रहा है हमारा ये भारत, जिस ढंग से यहाँ दिखता है कि सभी कल्चर्स की जो हमारी संस्कृति है उस सारी की यहाँ सामंजस्य बैठा हुआ है। बड़ा आनंद आ रहा है इनको देख करके, सभी बधाई के पात्र हैं। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी निपुण किया जा रहा है, ताकि बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। समारोह के अंत में अशोक शर्मा ने मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। आज हमारे स्कूल गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इसके लिए हमारे चेयरमैन संत बाबा लाभ सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनका आशीर्वाद हमें इस तरह से प्राप्त होता है और आगे भी होता रहे। आज के इस फंक्शन में बच्चों ने सिनेमा की तरह तरह की एक्टिविटीज जो स्टेज पर वो परफॉर्म कर रहे हैं, उससे वो अपनी प्रतिभा को भी उजागर कर रहे हैं। हमारा स्कूल में मुख्य उद्देश्य बच्चों को सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं होता, इसके साथ साथ हम उन्हें संस्कारी और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज भी करवा कर उनका सर्वांगीण विकास करने की तरफ हमारा प्रयास रहता है। तो आज इस एनुअल फंक्शन पर मैं सभी अभिभावक वर्ग को, अपने टीचिंग स्टाफ को और अपने स्कूल के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।